भोजपुरी जगत में इन दिनों खुशियों का माहौल है भाई। भोजपुरी के मनोज तिवारी और रवि किशन ने क्या दमदार जीत दाखिल की है लोकसभा चुनाव में। लेकिन 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 जो थोड़ी सी मायूसी है वो है दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए, क्योंकि उनके लिए तो पूरा भोजपुरी जगत उमड़ पड़ा था प्रचार प्रसार के लिए और सभी चाह रहे थे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जरूर जीते। लेकिन बहुत टफ कंपटीशन दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव को, और अब भाई भले ही वो हार गए हैं लेकिन पार्टी जीत चुकी है और उनकी हार तो भाई जीत में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है। और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ साथ भोजपुरी जगत के सभी लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है, सभी डबल सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो मनोज तिवारी और रवि किशन के जीतने की साथ ही साथ धीरे ही धीरे सही। लेकिन अब सभी भोजपुरिया जितने भी सितारे हैं अपने बयान दे रहे हैं, सभी को अफसोस है कि निरहुआ हार गए हैं, लेकिन सभी को ये बात की खुशी है कि मोदी सरकार फिर से केंद्र में आ रही है। सभी आम्रपाली का रिएक्शन जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आम्रपाली निरहुआ के काफ़ी क्लोज हैं और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम्रपाली निरहुआ के साथ नजर आई थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आम्रपाली क्या कहेंगी। लेकिन भले ही अभी तक आम्रपाली ने अपना बयान नहीं दिया है तो क्या, लेकिन वो इतना जरूर कहेंगी, हार जीत तो सभी के नसीब में होती है। उन्हें ये जरूर अच्छा लगा होगा कि निरहुआ भले ही हारे तो क्या, लेकिन उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया और आज भले ही उनकी हार हुई तो क्या, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार है। निरहुआ को बीजेपी द्वारा दिया गया कार्य तो निरहुआ ने बखूबी निभाया है। वैसे भी आम्रपाली काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली महिला है, वो हार को भी अपने सिर आंखों पर बिठाती हैं, तो यकीन है कि आम्रपाली निरहुआ के इस हार को भी लेकर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगी, क्योंकि वो प्रयास करने में बिलीव करती हैं। तो यही सीख देंगे निरहुआ को कि वो प्रयास करें और नेक्स्ट टाइम उनकी जीत पक्की है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।